हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, जिसका इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट और उसके साथ ही पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। मतलब आज रात को यहां पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है FOMC की, और अगर आप देखें यहाँ पर इन्होंने अपडेट भी प्रोवाइड किए, वॉच लाइव January 26, मतलब ET टाइम के अनुसार अगर आप देखें 2:30 PM को यहाँ पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है, जहाँ पर जो फंड रेट्स हैं उन पर भी डिस्कशन हो सकता है। उसके अलावा काफी कुछ डिस्कशन यहां पर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, FOMC होता क्या है, फेडरल ओपन मार्केट कमिटी, यहां पर इसका ये फुल फॉर्म है। जिस प्रकार से RBI होती है हमारे इंडिया में, इस प्रकार से USA की अगर हम बात करें तो वहां पर फेडरल रिजर्व होते हैं, और उनके जो भी यहां पर गवर्नर्स होते हैं उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, और ये साल में लगभग 8 बार होती है। तो यहां पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली, मतलब इसके बाद भी यहां पर ऑर्गेनाइज होगी, तो यहां पर इस मीटिंग में काफी कुछ डिस्कशन हो सकता है। मतलब फंड रेट्स को लेकर यहां पर डिस्कशन हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट BTC और साथ ही पूरे क्रिप्टो मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर अभी भी आप देखें तो यहां पर क्रिप्टो मार्केट और साथ ही पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में अभी आपको काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जो क्रिप्टो करेंसी क्रेश हुआ था उसका भी एक रीजन यही था कि जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको यहां पर बढ़ाने की बात कही जा रही थी, और अगर यहां पर डिस्कशन होता है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की बात कही जाती है, वैसे अगर आप देखें तो यहां पर एक और मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी लगभग मार्च के महीने में, और उम्मीद ऐसी है कि यहां पर डिस्कशन नहीं होगा इंटरेस्ट रेट्स का। लेकिन डिस्कशन क्या होगा दोस्तों, वो तो मीटिंग शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर यहां पर इंटरेस्ट रेट्स के बारे में डिस्कशन होता है और उन्हें बढ़ाने की बात कही जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट BTC पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा और पूरे क्रिप्टो मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आएगा। मतलब आज रात की ये जो मीटिंग है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए भी, साथ ही फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए। अगर आप देखें टाइमिंग, तो यहां पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार लगभग ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली ये रात के एक, तो काफी बड़ी मीटिंग यहां पर ऑर्गेनाइज हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट जो है वो पड़ता हुआ नजर आ सकता है क्रिप्टो मार्केट पर। और इससे पहले अगर आप देखें FOMC मीटिंग जो 2021 में ऑर्गेनाइज हुई थी, मतलब अगर हम देखें साल भर में 8 बार ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, और उसका अगर आप इंपैक्ट देखें तो यहां पर BTC के प्राइस पर पड़ता हुआ नजर आया है। इससे पहले अगर आप देखें यहां पर January 26-27 में ये मीटिंग हुई थी, तो यहां पर भी BTC के प्राइस में एक हाइप देखने को मिली थी उस बेसिस पर कि वहां पर उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ। उसके बाद अगर आप देखें March 16-17 में यहां पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, मतलब अगर आप देखें यहां पर इनका जो टाइमिंग है वो फिक्स है, January 26 को यहां पर मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, और आज भी अगर आप देखें January 26 को ये मीटिंग होने वाली है। इसके बाद अगर आप देखें March 16, और काफी ज्यादा उम्मीद है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन मार्च की मीटिंग में हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर जितनी बार भी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई है कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट जो है वो BTC और क्रिप्टो मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आया। आज की जो मीटिंग है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहां पर आप चार्ट देख सकते हैं जो मैथ्यू हाइलैंड ने प्रोवाइड किया हुआ है, जहां पर FOMC मीटिंग का क्या यहां पर इंपैक्ट पड़ा हुआ है क्रिप्टो मार्केट पर उसको दिखाया गया है। तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा मीटिंग के ऊपर, और मीटिंग में क्या कंक्लूजन निकल कर आता है, वहां पर क्या डिस्कशन होता है, उस तरीके से अगर आप देखें तो मार्केट पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। मतलब अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट्स पर डिस्कशन नहीं होता है और मीटिंग जो है वो पॉजिटिव वे में होते हुए नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बात कही जाती है, क्योंकि अगर आप देखें कोरोना के बाद से इंटरेस्ट रेट्स को काफी कम, मतलब जीरो कर दिया गया है, लेकिन फिर से अगर आप देखें तो यहां पर इसे बढ़ाने की बात कही गई है, तो अगर उस पर डिस्कशन होता है तो थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सेफ तरीके से आप अभी ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, और कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब हम आपको मिलते किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।